नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के लिए मेयर का घेराव। प्रदेश विश्वविद्यालय के गेट के पास समर हिल में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने के लिए होने वाली देरी से गुस्साए एबीपी ने नगर निगम शिमला की मेयर सत्या कौंडल का घेराव किया। इस दौरान एबीपी ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। एबीपी की एचपीयू इकाई ने आरोप लगाया कि पिछले 8 महीनों से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने का काम अधर में लटका हुआ है। नगर निगम की ओर से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को बनाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में एबीपी ने नगर निगम को 1 माह के भीतर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने का समय दिया है। एबीपी ने चेताया कि अगर 1 महीने के अंदर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा नहीं बनती तो एबीपी की ओर से नगर निगम के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। इससे पहले समर हिल में ही शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए एसएफआई ने भी प्रदर्शन किया था। नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाने के लिए कल ही भाषा एवं संस्कृति विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। आज घेराव जो है वो पिछले कई लंबे समय से विद्यार्थी परिषद की लगातार हमारी टोली जो है वो प्रतिनिधि मिलते रहे हैं, कई मेमोरेंडम भी दे चुके कि स्वामी विवेकानंद चौक के नाम पर आपने सुर्खियां बटोर ली मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी तक धरातल पर क्या हुआ वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज एमसी शिमला पर है। आज स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित करने की जहां बात आती है तो अभी तक फाइलों तक लटका यह काम पिछले 8 महीने से जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है, जिसका विद्यार्थी परिषद जो है मांग करती है कि जल्द से जल्द इस स्वामी विवेकानंद चौक में मूर्ति की स्थापना, स्वामी जी की मूर्ति की स्थापना की जाए। दूसरा, हम देखते हैं कि इस पूरे शिमला शहर में किस प्रकार से आवारा पशुओं की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गई है। आज समर हिल की बात करते हैं, कई 5,000 के करीब स्टूडेंट वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो हम देखते हैं कि लगातार आवारा पशुओं के कारण किस प्रकार से लोकल हो या फिर छात्र हो या कोई और व्यक्ति हो तो किस प्रकार से वहां उन आवारा पशुओं से समस्या आती है। लगातार वहां पर किसी न किसी को बैल द्वारा या आवारा पशुओं द्वारा मारा जाता है तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि गार्बेज कलेक्शन की बात करते हैं तो लगातार पूरे शिमला में जहां एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में शिमला उभरा है लेकिन उसको शिमला में एमसी द्वारा मेंटेन नहीं किया जाना आज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है शिमला एमसी पर खड़ा करती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर, ऐसे कई मुद्दों को लेकर जो है विद्यार्थी परिषद ने आज घेराव किया है और इस समस्या का समाधान के लिए एमसी ने 1 महीने का समय भी मांगा है तो 1 महीने में अगर ये समस्याएं सुलझती नहीं है तो विद्यार्थी परिषद जो है इसके खिलाफ उग्र रूप लेगी और एमसी शिमला को अपने किस प्रकार से जो है इन समस्याओं को सुलझाने का काम किया जाता है वो अपने आंदोलन के जरिए जो है इसको दिखाएगी।